नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों पीपीएफ, केवीपी, एनएससी, सुकन्या समृद्धि और जो कि है सर सेविंग्स अकाउंट, मैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट की बात कर रहा हूँ, ये तमाम सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। तो मैंने सोचा आपके साथ इस खबर को ज़रूर से डिस्कस करना चाहिए। तो एफएम का क्या बड़ा बयान यहाँ पर आया है फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से, और क्यों दुख भरी खबर ये उन सभी लोगों के लिए है जो लोग पीपीएफ में पैसा रख के छोड़ देते थे, केवीपी करते थे, एनएससी में पैसा डालते थे और स्मॉल सेविंग्स जो कि है सर पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते थे, उन सभी लोगों के लिए क्यों दुख भरी खबर है, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो सर यहाँ पर आप देख पाएंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट, वो 6.4% किया जाएगा, जो पहले कितना हुआ करता था 7.1% के आसपास हुआ करता था। और उसी के साथ साथ आप देख पाएंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसको आप एनएससी कहते थे, उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट जो भी कह लीजिए, वो भी कम होता हुआ दिखेगा और कम होकर कितना होगा 5.90%। तो सर समझने वाली बात है यहाँ पर कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। और सुकन्या समृद्धि की बात करें तो जिसका इंटरेस्ट रेट कम करके हुआ जाएगा कितना होगा 6.90%। और यहाँ पर अगर आप देखें जो पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था वो 7.1% हुआ करता था, और वही तरफ अगर आप एनएससी की बात करें 6.80 के आसपास हुआ करता था। यहाँ पर चार्ट आपके सामने एक आप देख पाएंगे जो पहले कितना हुआ करता था सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स डिपॉजिट, मैं पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ, जो पहले 4% का हुआ करता था, 4% का आपको ब्याज मिलता था, जो कितना होगा सर 3.50% का होगा। यानी कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसा रखते हैं सेविंग्स अकाउंट में, वहां पर पहले आपको 4% का ब्याज मिलता था, अब से आपको 3.50% का ब्याज मिलेगा। और ये कब से लेकर कब तक के लिए है ये भी आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक, यानी कि 3 महीने के लिए यहाँ पर इस ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये यहाँ पर तय है। तो इसके ये 3 महीने के लिए चेंज नहीं होगा, बाद में चेंज होता है तो वीडियो ज़रूर से आएगा। आप यहाँ पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, वीडियो ज़रूर से आएगा, तो आप टेंशन में मत आ जाइए। तो यहाँ पर आपको और 2-3 चीज़ें आपको देखना होगा, जो 1 साल का डिपॉजिट हुआ होता था वो 5.5% का होता था, वो अब से आपको 4.4% का मिलेगा। 2 साल का डिपॉजिट के ऊपर आपको 5.5% मिलता था, जहां तरफ आपको 5% का ही सिर्फ और सिर्फ ब्याज मिलेगा। 3 साल के डिपॉजिट के ऊपर आपको 5.5% का ब्याज मिलता था, आपको अब से आपको 5.1% का ब्याज मिलेगा। और 5 ईयर टाइम डिपॉजिट के अंदर आपको 6.7% का मिलता था, जहां पर आपको 5.80% का मिलेगा। वही तरफ जो लोग रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं उनके लिए भी बताना चाहूंगा, रेकरिंग डिपॉजिट के ऊपर आपको 5.85% के आसपास का ब्याज मिलता था पहले, अब से आपको 5.30% के आसपास का ब्याज मिलेगा, जो कि आपको जिसको आरडी कहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट जिसको आप कहते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर 7.40% का यहाँ पर आपको ब्याज मिलता था, जब से आपको यहाँ पर अगर आप देखें जो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको 6.50% का मिलेगा। एमआईएस अगर आप करते थे पहले पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पर आपको 6.60% का इंटरेस्ट रेट मिलता था, यहाँ पर आपको 5.70% का इंटरेस्ट मिलेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपने देख लिया है 6.80 से 5.90। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो अगर आप देखिए बहुत से लोग यहाँ पर निवेश करते हैं ज़्यादातर लोग, तो 7.1% से 6.40% का किया गया है। और केवीपी की बात करें, जो पहले 124 मंथ में आपका पैसा डबल होता था, वो अब से आपको 138 मंथ लगेंगे आपके पैसे को डबल होने के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें 6.90 से 6.20 किया गया है। तो सर ये तो रहा
जो कि है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट का, जो कि नया रूल है जिसके चलते रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। और ये अगर आप देखिए पहली बार हुआ है जहां पर पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग्स अकाउंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर इंटरेस्ट रेट है वो कम हुआ है पहली बार। ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट हैज बीन रिड्यूस बाय 0.5% टू 3.5% फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 4% एनुअली। तो ये पहली बार हुआ है जहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया गया है सेविंग्स अकाउंट के अंदर पोस्ट ऑफिस में। और आपको जो नए अपॉर्चुनिटी कहां पर मिलेंगे सर, तो लोग सर देखिए लोग इक्विटी के तरफ जरूर से आएंगे, रुख करेंगे, क्योंकि अगर आप देखिए आप यहां पर सोचेंगे कि भाई इक्विटी में तो रिस्क है, तो सर रिस्क तो यहां पर भी है, रिस्क तो पीपीएफ में भी है। पीपीएफ में पैसा आप रख के छोड़ देंगे तो सर पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको दिन प्रतिदिन कम होता हुआ दिखेगा। लेकिन सर अगर आप स्टॉक्स में आएंगे, म्यूचुअल फंड्स में आएंगे, तो सर यहां पर आपको रिस्क तो जरूर से मिलेगा। आते वक्त भी आपको रिस्क मिल सकता है, 5 साल बाद मिल सकता है, लेकिन सर रिस्क की बात करें तो सर रिटर्न यहां पर भी आप यहां पर अजम्पशन नहीं लगा पाएंगे कि मुझको कितना मिलेगा पीपीएफ में और मुझको कितना मिलेगा स्टॉक में। तो सर अनसर्टेनिटी के बीच में आप यहां पर आ चुके हैं कि यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो सर वो आप देख पाएंगे तेजी से कम हो रहे हैं सर। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पीपीएफ में निवेश नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको रिकरिंग डिपॉजिट नहीं करना चाहिए, और मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप एनएससी मत कीजिए। मैं आपको बस कहना इतना चाहता हूँ कि इक्विटी की तरफ आपको यहाँ पर देखना जरूर से है, क्योंकि सर अपॉर्चुनिटी की बात करें इक्विटी के अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट टूल मुझको नजर नहीं आता। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछे मुझको नजर नहीं आता जहां पर आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा या फिर कह लीजिए ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ब्याज की तो कोई बात नहीं है, ज्यादा रिटर्न इक्विटी को बीट करने वाला इन्वेस्टमेंट टूल मुझको आज की डेट में इंडिया के अंदर कम से कम नजर कोई भी चीज नहीं आ रहा है। वो आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, आप हो सकता है आप मुझको गाली देंगे कि भाई यहाँ पर पैसा बनता है, वहाँ पर पैसा बनता है, ज़मीन खरीद लेंगे वो पैसा डबल हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, लेकिन सर 100 रुपया लेके आप ज़मीन तो नहीं खरीद पाएंगे, मिट्टी का एक टुकड़ा भी आपको नहीं मिलेगा 100 रुपये में, तो सर ये सोचने वाली बात है। तो ये सारे फैक्टर्स को चलते आपको यहाँ पर बस कहना यही चाहूँगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ एफडी वगैरह तोड़ के आपको इक्विटी में आ जाना या फिर पीपीएफ बंद कर देना, ये वो सारा कुछ ऐसा नहीं करना है आपको। कोविड का जो इम्पैक्ट था वो सभी सेक्टर के ऊपर पड़ता हुआ हम लोगों को दिखा था। सरकार अगर कोई चीज़ करती है तो सर मानकर चलिए सरकार ज़्यादातर लोगों के भलाई के लिए ही करती है, और हो सकता है यहाँ पर देखिए तो सर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हुआ है, तो सर इसका इम्पैक्ट आपको थोड़ा बहुत ही देखने को मिलेगा। लेकिन सर जो पैंडेमिक हुआ था उसके चलते सर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है ये बहुत ज़्यादा कम नहीं हो चुके हैं। तो सर बहुत ज़्यादा कोसिए मत किसको किसी को कि सर इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया। सर पैंडेमिक बहुत बड़ा था सर, इसको आपको भूलना नहीं है, कहर अभी भी बरस रहा है, और ये तो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए ही ये जो ब्याज दरें हैं ये यहाँ पर कम की गई है। हो सकता है देखिए सर मैं कोई भगवान नहीं हूँ या फिर किसी मान लीजिए कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन सर हो सकता है 3 महीने बाद ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि ये सर कम किए गए हैं इसको थोड़ा बहुत बढ़ाया भी जा सकता है। देखते हैं बाद का बाद में देखा जाएगा सर कब क्या होता है, लेकिन आपको अभी जो 3 महीने के लिए नेक्स्ट है वहाँ पर आपको यही ब्याज दरें मिलेंगे। तो सर कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच समझ कर लीजिए कि अगर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट टूल्स में तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। सिर्फ इन्वेस्टमेंट है ये सारे, ऐसे मतलब ऐसा कोई भी यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये थोड़ा बहुत कम हुआ है, ये मुझको भी थोड़ी सी यहाँ पर मायूसी भरी लगी, लेकिन सर समय के साथ सबको आपको यहाँ पर समझना होगा कि जो खराब समय गुजरा उसके चलते सर देखिए ये तो मतलब ऐसा नहीं कि सरकार ने सोच लिया कि ये वो हम लोग कर देंगे, आरबीआई ने सोच लिया, फाइनेंस मिनिस्टर ने सोच लिया हमको ऐसा करना है, किसी के साथ दुश्मनी नहीं निकाली है सर, लेकिन आपको समझना होगा, आपको सरकार के साथ आपको रहना चाहिए। मैं बस सबको इतना ही कहना चाहूँगा और आपको आरबीआई की जो यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन है उनको भी फॉलो करना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो यहाँ पर बयान जारी किया है उसको भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और बाद में अगर ये चेंज होते हैं तो वो भी देखने वाली बात है। बाकी बहुत से लोग सोचेंगे कि हम लोग इस इन्वेस्टमेंट टूल में जाएंगे, इसमें जाएंगे, उसमें जाएंगे, देखिए बहुत ज़्यादा छेड़खानी अपने इन्वेस्टमेंट के साथ ना कीजिए। जो अपने गोल सेट किया है उसके अंदर थोड़ा बहुत जो कि है सर मैच्योरिटी की बात करें, अमाउंट की बात करें, पीपीएफ में थोड़ा सा कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, और
अगर आप उसी तरफ अगर आप SIP की बात करें म्यूचुअल फंड में, तो सर वहाँ पर भी कोई स्टेबल रिटर्न नहीं मिलता है, वहाँ पर भी रिस्क जोखिम बहुत ज़्यादा रहता है। सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो सर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको इस चैनल के ऊपर रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट्स मिलेंगे कहाँ पर निवेश करना चाहिए। और अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए, कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही है। सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बहुत जल्द आपको बनाकर बता दूंगा बिगिनर्स के लिए, बाकी जो लोग जानते हैं उनको तो बताने की जरूरत नहीं है। तो सर चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल के साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस खबर को कम से कम जरूर से शेयर कीजिए, क्योंकि सर सबको जानना जरूरी है। कहीं पर भी पैसा अगर आप रखेंगे तो वहां पर इंटरेस्ट रेट भी कम हो सकता है, यह भी जानने वाली बात है। तो यही कुछ था, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू, जय हिंद।